एवरीवन, सत श्री अकाल। आज हम बात करेंगे हमारी बोन हेल्थ की। आजकल हम जिस तरीके का लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं और जैसी हम डाइट खा रहे हैं ना, उसके कारण कई बार ये होता है हम लोग की बोन्स बहुत ज़्यादा वीक होने लगती है, वो बहुत फ्रिजाइल और शेटर होने लगती है, क्योंकि हम लोग को बोन की वीकनेस के कारण ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम होती है। इसके लिए हमें, मैं आज आपको चार डाइट बताऊंगी जिनको आप रेगुलर बेसिस पे अगर आप इनटेक करेंगे तो आपकी बोन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। ये बच्चे से बूढ़े सब पे अप्लाई होता है, सबको अपनी डाइट में ये इंक्लूड करना चाहिए ताकि आप सबकी बोन्स स्ट्रॉन्ग हो जाए। इससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो है, जो हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की कमी से क्या होता है ना, हमारी बोन्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है और कहीं ज़रा सा गिरे और बोन टूट गई। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपनी डाइट में ना नट्स को इंक्लूड कीजिए, जैसे बादाम हो गए, अखरोट हो गए, काजू हो गए। इनको आप ओवरनाइट रात को भिगो के रखेंगे और सुबह आपको उनको खाना है। आप फ्लैक्स सीड ले सकते हैं, आप नट्स, जो भी आपके पास सीड्स हैं, एटलीस्ट 5 टाइप के नट्स एंड सीड तो आपको एवरी डे लेने चाहिए। इसके लिए आपको इनको ज़रूर रात को भिगो के रखना है पहले, देन आपको इनको सुबह कंज्यूम करना है। ये लेने से पहले आप एक ग्लास वार्म वाटर में एक लेमन जूस, एक नींबू काट के उसका रस निकाल के वो पीजिए। इससे क्या होगा, हमारी बॉडी को विटामिन सी मिलेगा। विटामिन सी जो है ना, हमारी बॉडी में कोलेजन बनने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोलेजन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर बोन बिल्डिंग। हमारे बॉडी के लिए, बोन बिल्डिंग के लिए भी हमें कोलेजन की ज़रूरत पड़ती है। तो ट्राई टू टेक लेमन जूस इन द मॉर्निंग एंड नट्स एंड सीड्स इन द मॉर्निंग। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कैल्शियम। हमारी बॉडी की ना एवरी डे 1000 mg की रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम की। उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं, चाहे आप खाने में दही लीजिए या आप कोई भी कैल्शियम सप्लीमेंट ले सकते हैं। आपको एवरी डे सनलाइट में ज़रूर जाना है। सनलाइट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन अवर बॉडी। आप अगर सनलाइट लेंगे 30 मिनट इन द मॉर्निंग और शाम को भी 30 मिनट ले सकते हैं, आपके बॉडी पार्ट्स पे सनलाइट पड़नी चाहिए ताकि आपकी बॉडी, आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग हो जाए। आप अपनी डाइट में पनीर को, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। ये भी अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, क्योंकि कैल्शियम आप लेंगे तभी हमारी बोन्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। सेकेंड, थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ प्रोटीन। प्रोटीन, आपको पता है हमारी बोन्स का 50% पार्ट प्रोटीन से बनता है। तो अगर हम प्रोटीन लेते हैं तो हमारी बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होता है और हमारी बोन की डेंसिटी बढ़ती है और हमारी बोन स्ट्रॉन्ग बनेंगे। अगर बोन स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी तो हमारे को गिरने पड़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारी बोन्स नहीं टूटेंगी। तो वी हैव टू टेक प्रोटीन। प्रोटीन आप कैसे ले सकते हैं, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप हैंडफुल ऑफ चना जो होता है ना, चना, रोस्टेड चना, वो खा सकते हैं, एक मुट्ठी चना, या फिर पीनट्स जो होते हैं, पीनट्स अगर गर्मी के कारण आप नहीं खा रहे हैं तो पीनट्स को आप पानी में सोख करके रखिए, फिर उसके बाद उसको खाइए। पीनट्स लीजिए, चना लीजिए, आप कोई भी प्रोटीन डाइट, अगर एग खाते एग लीजिए, एग नहीं खाते तो आप पीनट्स और चना खाएंगे, दैट विल बी ओके। आपकी बोन हेल्थ अच्छी होगी, आपका प्रोटीन सप्लीमेंट अगर अच्छा रहेगा तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा और हमारी बोन बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ मिल्क। आपको पता है मिल्क इज़ अ सुपर फूड फॉर अवर बोन्स। अगर हम मिल्क नहीं पियेंगे तो हमारी बोन्स बहुत वीक हो जाती है। सबसे बेस्ट टाइम है मिल्क को लेने का, जब आप रात को सोते हैं ना, उससे आप 1 घंटा पहले दूध लीजिए वर्म, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाइए, फिर उसको पीजिए। इससे एक तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी और आपका बॉडी का जो कैल्शियम का रिक्वायरमेंट है, मिल्क का रिक्वायरमेंट है, आपकी बॉडी में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। आपको पता है मिल्क को सुपर फूड क्यों कहते हैं? मिल्क इज़ फुल इन प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक एंड विटामिन्स एंड विटामिन B12। ये इतनी सारी चीज़ें मिल्क के अंदर होती हैं जो हमारी बॉडी की बोन हेल्थ के लिए फुल डाइट है। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट
फॉर एवरी वन टू ड्रिंक मिल्क एवरी डे. आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियोज. इफ़ यू रियली लाइक डू लाइक एंड शेयर. अगर आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ डू कमेंट एंड आई लव टू हेयर योर कमेंट्स. बाय.